जो एमीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसमें क्या है, सबसे पहला मेथड भाई इसका, इसको हम बोलते हैं होफमैन मेथड, होफमैन मेथड। इसके अंदर होता क्या है कि आप किसी भी एमीन यानी कि किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन C2H5I, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करते हैं, अमोनिया के साथ। अमोनिया को हम NH3, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि आपको उस रिएक्शन में हेल्प हो जाए, ठीक है ना, N और उसके पास 3H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होती है। आपको एक चीज पता होगी कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर हमेशा होता है, और जो लोन पेयर होता है ना वो अटैक करता है किसके पास, C2H5 के पास, और आई यहाँ से बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ से आई और इसके पास से एच, ये एच आई बाहर निकलता है, और इस रिएक्शन में क्या होता है, C2H5N और उसके पास एच, यानी कि C2H5NH2 क्या बना, ये इथाइल एमीन, क्या बना, इथाइल एमीन ये बनता है। बट ये जो रिएक्शन थी ना, ये रिएक्शन यहीं पे ही रुकती अगर हमने एल्काइल आयोडाइड एक्सेस में लिया है, यानी कि इसकी बहुत सारी मात्रा ले ली हमने, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये फिर से C2H5I के साथ रिएक्शन करेगा, और इसके पास लोन पेयर अभी भी है, और ये फिर से इसके पास अटैक करेगा, फिर से आई निकाल देगा, ठीक है। तो आई और आई के साथ क्या निकल जाएगा, एच, यानी कि जब तक यहाँ पे एच होगा तब तक वो निकलता रहेगा, C2H5N और इसके पास एक और C2H5 और एक बचा इसके पास एच। अब ये फिर से इसके साथ रिएक्शन कर लेगा C2H5I के साथ एक और, तो उस कंडीशन में क्या होगा, C2H5N C2H5 C2H5 अब ये एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है। कैसे, लोन पेयर इसके पास है, ये यहाँ अटैक करेगा, आई को निकाल देगा, यानी कि एन के पास क्या जुड़ जाएंगे, C2H5 के चार मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, कितने, चार। और जब एन के पास जुड़ेगा तो इसके पास क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये अमोनियम क्या बना, ये अमोनियम आयन बन गया, और जब ये आयन बना है तो इसके पास जो आई बाहर निकला था, क्योंकि आई तो निकल जाएगा खुद, बट उसके निकल साथ निकलने के लिए एच नहीं रहेगा, तो इसलिए आई जो है वो आयंस की फॉर्म में रहेगा, किसकी फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में। तो इसलिए हम जो कंपाउंड फाइनल बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड, क्या बनता है, टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड। तो ये इसको बोलते हैं हम होफमैन रिएक्शन, ठीक है। तो जब हमने एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करी तो उस रिएक्शन के अंदर ये बनेगा, ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन का नाम है होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, या इसको हम होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन भी कह देते हैं, ठीक है ना। ये जो होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है याद रखने का, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, एमाइड ग्रुप होता है, और एमाइड ग्रुप एमीन में से जुड़ता है RNH2 में, इसका मतलब क्या है, CO बाहर निकल जाता है, तो ग्रुप जो है वो बड़ा ग्रुप छोटे में चेंज हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं इसको, हम डिग्रेडेशन, क्या बोलते हैं इसको, हम डिग्रेडेशन, ठीक। तो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ये होती क्या है कि जब मैं किसी एमाइड ग्रुप को, जब मैं किसी एमाइड ग्रुप को हेलोजन यानी कि Br2 और NaOH यानी कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराता हूँ उसकी, तो वहां पे क्या हो जाता है कि आपका जो एमाइड ग्रुप था वो आपका NH2 में चेंज हो जाता है, किसमें, RNH2 ग्रुप में, प्लस साथ में जो निकलता है वो अलग है, उसकी जरूरत नहीं है वैसे 2NaBr Na2CO3 प्लस 2H2, इनकी जरूरत नहीं पड़ती, साइड प्रोडक्ट है सब, ठीक है ना, हमें मेन ये चाहिए। तो एमाइड ग्रुप आपका किस में चेंज हो जाता है, एमीन के अंदर। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, एमाइड आपका एमीन में चेंज हो जाएगा, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। देखो ब्रोमेमाइड इसलिए आता है यहाँ पे, होफमैन ने इस रिएक्शन को करा, ब्रोमेमाइड यहाँ पे बनता है इस रिएक्शन के अंदर, तो इसलिए इस रिएक्शन में ब्रोमेमाइड भी आ रहा है, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपसे पूछ लेता है, तो आपको इसकी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए।
होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होगी इसकी कि जो ये आपका एमाइड ग्रुप होता है ना, एमाइड ग्रुप और CO NH2, ठीक है, ये एमाइड ग्रुप क्योंकि रिएक्शन जो है वो किसके साथ हुई थी, Br2 प्लस NaOH के साथ, ठीक है ना। तो जो NaOH था पहला, तो ये OH आपका बेसिक मीडियम में क्या करेगा, यहाँ से NH2 के पास से एक H निकाल लेगा, जो OH माइनस था ये क्या करेगा यहाँ से एक H निकाल लेगा, और जब एक H निकाल लेगा तो ये आपका बन जाएगा NH माइनस, ठीक है। फिर ये जो NH माइनस है ये Br2 मॉलिक्यूल यानी कि Br सिंगल बॉन्ड Br इसके पास अटैक करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, R CO CO और यहाँ पे N, इसके पास Br और इसके पास एक हाइड्रोजन, ये क्या बना, ब्रोमेमाइड। क्या बना, ये ब्रोमेमाइड। इसीलिए इस रिएक्शन को हम होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है, ब्रोमेमाइड बनता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से जो OH माइनस था बेसिक मीडियम था वो फिर से क्या करेगा, इस एक और H को निकाल लेगा, जब एक और H को निकाल लेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, N Br और ये यहाँ पे N के पास माइनस, ठीक। और जब N के पास माइनस बनता है तो ये जो माइनस बना है, देखो इसको एक चीज समझो, यहाँ पे हुआ होता क्या है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन के अंदर आप एक चीज ये समझ लो कि यहां से जो ये एन के पास नेगेटिव चार्ज था ये यहाँ से हेलोजन को बाहर निकाल लेता है, यानी कि हेलोजन जो है ना अपने आप बाहर निकल जाता है, और जब हेलोजन बाहर निकलेगा तो एन के पास से इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा एन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ए नेगेटिव तो पहले ही था, पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। और जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये आपके लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार, आर सी ओ एन, एक लोन पेयर तो उसके पास होता ही था और एक लोन पेयर उसके पास और हो गया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रीन। आपने सुना होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में, नाइट्रीन, एन के पास एक बॉन्ड और दो लोन पेयर। तो इसके अंदर जो नाइट्रीन होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है इंटरमीडिएट। अगर आपसे कभी वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो ये पूछता है होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, नाइट्रीन, ठीक है। अब ये नाइट्रीन जो है, ये नाइट्रीन फर्दर रीअरेंजमेंट करता है, और यहाँ पर होता क्या है कि ये आर जो है, ये आर नाइट्रोजन के पास जाता है, उसके लोन पेयर जो है वो आगे चले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो ग्रुप बनता है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, आर एन डबल बोन्ड सी डबल बोन्ड ओ, यानी कि एन सी ओ, क्या बन गया ये, आइसोसाइनेट। क्या बना ये, आइसोसाइनेट, ठीक है ना। जो ये ग्रुप होता है ना सी एन ओ ग्रुप, सी एन ओ सी एन ओ सी एच ओ सी एन ओ, इसको हम साइनेट बोलते हैं, और सी एन को क्या बोलते हैं हम, साइनाइड, ठीक। तो ये क्या बना यहाँ पे, आइसोसाइनेट। अब ये जो आइसोसाइनेट है, ये आइसोसाइनेट फर्दर एच टू ओ के साथ, यानी कि एच टू ओ के साथ इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये अटैक करेगा इसके पास कार्बन के पास, कार्बन के पास अटैक करने पर यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के पास जब अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपके किस तरफ जाएंगे, इधर भी जा सकते हैं, दोनों तरफ, दोनों में से किसी भी तरफ जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक सेकंड में, यहाँ पे देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके मान ले इस तरफ पे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आर एम ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पर तो हो जाएगा O माइनस, यहाँ पर हो जाएगा O H H, ठीक है, ये बनेगा कुछ इस तरह का। अब इसके पास पॉजिटिव आएगा, यहाँ से H निकलेगा, ये बेसिक स्टेप होते हैं, N डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक काम और होता है, लोन पेयर्स वापस इधर अटैक करेंगे और ये फिर से बाहर निकल जाएगा। तो देखो एक बात समझो, ये फिर से वही काम हो गया, ये जो यहाँ पर हो रहा है ये रिएक्शन वापस से बैकवर्ड ही चली गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आगे नहीं जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके एन की तरफ जाएंगे,
तो यहां पे मैं इस स्टेप को यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स ओ की तरफ चले गए तो रिएक्शन घूम का वापस वहीं आ जाएगी, रिएक्शन यानी कि आप देनी पड़ेगी, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जो किसकी तरफ गए, एन की तरफ, और जब एन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए तो यहाँ पे क्या हुआ, आर एन इसके पास माइनस, और यहाँ पे सी के पास डबल बॉन्ड से ओ, और यहाँ पे हो गया आपका ओ, और यहाँ पे एच एच, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से एच निकलेगा, एच निकलेगा तो कहाँ चला जाएगा, वो एन के पास, और यहाँ पे बन जाएगा आपका आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ठीक है। अब ये जो बना है यहाँ पे, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसको इसको हम थोड़ा सा हीट कर देते हैं, या इसको हम यहाँ पर जो लोन पेयर्स थे, ये लोन पेयर्स इधर और ये इस तरफ, यानी कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर CO2 बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, CO2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और ये जो H था ये H चला जाएगा NH के पास, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा R NH2 और प्लस में CO2, ये बाहर निकल गया। तो इन द एंड क्या बना यहाँ पे, एमीन ग्रुप बना, ठीक है जी। तो इस रिएक्शन के अंदर एमीन बनता है, ये इसकी पूरी मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को आप अच्छे से अपन नोट कर लेंगे, समझ में आया इसमें मैकेनिज्म में कुछ, ये बताओ मुझे एक बार भैया, एक बार और रिपीट कर दो। देखो मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर जो ये एमीन था, एमीन पहले OH के साथ रिएक्शन करेगा, OH जो है वो बेस था, ठीक है ना, और बेस जो है आपका वो यहाँ से H को निकाल लेगा, ठीक, H को निकालना तो N के पास माइनस आ जाएगा, क्योंकि H निकल गया। अब ये जो N माइनस था ये Br के पास अटैक करेगा, तो उससे दूसरा Br बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका N के पास Br और एक H, यानी कि ब्रोमेमाइड, ठीक। फिर दोबारा से OH मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि मीडियम के साथ रिएक्शन का बेसिक बेस तो प्रेजेंट था, तो बेस क्या करेगा, फिर से एक और H को निकाल लेगा, यहाँ पर N माइनस हुआ। अब यहाँ पर जो N के पास माइनस है, तो N पे से अगर Br बाहर निकल जाए, क्योंकि Br जो होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप का मतलब होता है कि अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाए और उसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको स्टेबल कर लेता है, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो Br जो था वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप था, इसलिए वो बाहर निकल गया। बाहर निकलने पर यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रीन। तो ये जो होता है ना नाइट्रीन, ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनता है, ठीक। फिर ये जो नाइट्रीन बना है, ये नाइट्रीन के अंदर रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने के बाद जो R था ये R आपका N के पास आ गया, यानी कि इससे क्या बनेगा रीअरेंजमेंट से, आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट का आप हाइड्रोलाइसिस कर दो, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जब H2 अटैक करेगा तो वहां पे फिर ये रिएक्शन हो जाएगी, बस। ये तो आपको एरो लगा रखे मैंने कौन सा किस तरफ गया हाइड्रोजन, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है जी। जी भैया तो ये जो है इसको एक बार पूरी को लिखना, और अगर कोई दिक्कत लगेगी फिर पूछ लेना, जी भैया, ठीक है। ये तो हो गया होफमैन डिग्रेडेशन या होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसके बाद इसमें एक और रिएक्शन थी, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसकी। इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछता, पर गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन होता क्या है, देखो थैलामाइड बन रहा है ना, थैलामाइड उसमें लिखा हुआ है ना, असल में थैलामाइड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि गैब्रियल साइंटिस्ट थे और थैलामाइड जो था इससे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है। इसमें होता क्या है कि हम एक कंपाउंड लेकर चलते हैं जिसका नाम होता है थैलामाइड, थैला सीओ सीओ एन एच दिस इज थैलामाइड, स्पेलिंग देख लेना, पी एच पी एच ए एल आई एम आई डी ई थैलामाइड, ठीक है। तो ये जो गैब्रियल थैलामाइड था, इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम करते हैं बेस के साथ, के ओ एच के साथ, ओ एच माइनस से क्या करेगा, एच निकाल लेगा, और जब एच को निकाल लेगा सी ओ एन सी ओ इसके पास माइनस, और माइनस के पास क्या जाएगा के, ठीक। और फिर ये जो है ये किसी आर एक्स यानी कि एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो एन किसके पास अटैक करेगा, आर के पास, और एक्स यहां से निकल जाएगा। सीओ सीओ और यहां पे एन, और इसके पास क्या जाएगा, आर। और जब आर आया तो इन द एंड का क्या कर दो आप, बेस हाइड्रोलाइसिस कर दो, यानी कि टू मॉलिक्यूल्स में
क्यू एच ले लो, तो क्या करेगा यहाँ से इसको यहाँ से तोड़ देगा, इसको यहाँ से तोड़ देगा, तो यहाँ पे दोनों तरफ से बॉन्ड टूटने के बाद इधर तो आ जाएगा ओ एच, यहाँ पे एच, इधर ओ एच, यहाँ पे एच, यानी कि एच टू ओ। तो जब ये इतना ब्रेक हो जाएगा तो इसको क्या बन जाएगा आर एन एच टू, क्या बनेगा इसमें आर एन एच टू प्लस बेंजीन के पास जो ग्रुप थे वो किसमें चेंज हो जाएंगे सी ओ ओ एच में, सी ओ ओ एच में। होता क्या है क्योंकि बेसिक मीडियम था के था, तो ये ओ एच जो है ऐसे एच को निकाल लेता है, और ये किस फॉर्म में रहता है आपका सी ओ ओ के, सी ओ ओ के। बट मेन कंपाउंड क्या बनता है हमारा एमाइड, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन होती है और ये मैकेनिज्म नहीं है, ये सिंपल रिएक्शन है, कभी इसको मैकेनिज्म सोचने लगो, ठीक है। ये रिएक्शन इस तरह की है, थोड़ी सी टिपिकल रिएक्शन है, स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगेगी आपको, बट ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद रखनी है। समझ आई बात? और यहाँ पे एक चीज लिख लेना, ये रिएक्शन ओनली वन डिग्री एमीन बनाती है, ओनली वन डिग्री एमीन, यानी कि जहां पे एमीन बनेगा ना वो केवल वन डिग्री ही बना सकते हैं, उसके अलावा कोई और एमीन नहीं बनाएगी, ठीक जी भैया। एक और रिएक्शन है इसके अलावा कर्टियस रिएक्शन, कौन सी कर्टियस, सी यू आर टी आई यू एस, कर्टियस रिएक्शन, ठीक है ना। और कर्टियस रिएक्शन में हम एक रिएजेंट यूज करते हैं एजाइड, ठीक है एजाइड। अब ये होता क्या है, एक आपके पास कंपाउंड होता है एसाइल एजाइड आर सी ओ एन थ्री, सी ओ एन थ्री, इसका नाम होता है एसाइल एजाइड, ठीक है ना। और जो ये एसाइल एजाइड होता है, ये एसाइल एजाइड रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म के साथ सी एच सी एल थ्री, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, क्या नाइट्रोजन गैस, ठीक। और जब नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है तो वहां पे बन जाता है एन सी ओ, यानी कि आइसो साइनेट, क्या बनता है आइसो साइनेट। और फिर से वही 2KOH के साथ इसका बेस हाइड्रोलाइसिस, और बेस हाइड्रोलाइसिस करने पे यहाँ पे क्या दो बॉन्ड टूट जाते हैं और यहाँ पे आपका आर एन एच टू बन जाता है, ठीक है ना। तो ये कर्टियस रिएक्शन है, यानी कि अगर आपने एसाइल एजाइड की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करी और उसके बाद उसका बेस हाइड्रोलाइसिस करा तो उससे भी आपको क्या बनेगा एमीन। तो ये भी इसका एक मेथड है एमीन बनाने का। तो मैं आपको तीन मेन मेथड, इसके जो मेन जो रिएक्शंस थी नेम रिएक्शंस थी वो मैंने आपको बताई, और ये सबसे मेन रिएक्शंस थी इसकी, ठीक है। ठीक है जी, जी भैया, जी भैया। इसके अलावा मैंने आपको बेसिसिटी के बारे में बताया था एमीन्स की, बेसिसिटी क्या ऑर्डर था बेसिसिटी का, अगर गैसीय स्टेट में बात करते हैं तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और अमोनिया, यानी कि 0 डिग्री, है ना। और अगर एक्वस स्टेट में बात करते हैं तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या था 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और 0 डिग्री, ये ध्यान रखना बस। ठीक है जी भैया। भैया एग्जाम को कुछ पता चला गया कब होंगे? एग्जाम फरवरी के बाद, मार्च स्टार्टिंग में। ओके भैया, ठीक है। अब इसके बाद है इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, वैसे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसके अंदर एक रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, मैं केवल इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही कराऊंगा इसकी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका जो आता है वो आता है कपलिंग रिएक्शन वाला, वो इसके बाद आएगा। तो वो है कार्बाइल एमीन रिएक्शन,
कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या होती है जी? कार्बाइल एमीन रिएक्शन जैसे राइमर टीमन रिएक्शन होती है उसी तरह की होती है कुछ कुछ। आर एन एच टू यानी कि जो एमीन होता है ये सी एच सी एल थ्री के साथ यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ के ओ एच की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और इससे आपका बन जाता है आर एन सी यानी कि एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, के सी एल प्लस एच टू ओ। इनकी जरूरत ही नहीं है, तो साइड प्रोडक्ट है, मेन ये है। क्या बनेगा इसमें? आइसोसाइनाइड, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन याद रखना, दो नंबर में पूछ लेता है व्हाट इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन जी भैया। ठीक है, इसके अलावा एक होती है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इसको भी याद रखना, दूसरी है इसकी मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल किसे बोलते हैं हम? सरसों के तेल को, सरसों का तेल, ठीक है ना। तो जो आपका एमाइड होता है ना, एमाइड सॉरी एमीन, जब ये एमीन आपका कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ? कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CO2 के प्लेस पर CS2, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसके पास जो लोन पेयर होंगे ना कार्बन के पास क्या अटैक करेंगे, और ये कुछ इस तरह से रिएक्शन करता है। कार्बन के पास डबल बॉन्ड्स है यहाँ पे सल्फर और इधर SH और इधर NHR, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम मोनो एल्काइल डाई थायोकार्बोनिक एसिड, ठीक। फिर उसके बाद अगर ये हमने फर्दर रिएक्शन करी इसकी HgCl2 के साथ, अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो इससे आपका बनता है कंपाउंड R N ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड S, ठीक है ना। इसका नाम होता है आइसो थायोसाइनेट। इसकी जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखो आप बस, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन थी इसको हम बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, यानी कि मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन थी इसके अंदर जो कंपाउंड बनता है ना वो सरसों के तेल की स्मेल वाला होता है, ठीक है ना। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसमें सरसों का तेल बन रहा है एक तरह का, समझे जी भैया। जी भैया, जी भैया। अब इसमें इसके बाद मतलब इसमें जो प्रॉपर्टी जो दी हुई है वो मेनली चार पांच ही रिएक्शन दी हुई थी, उसमें दो तीन मेन रिएक्शन ये थी, बाकी और तो कुछ खास है नहीं। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जैसे कि मिथाइल एमीन मोर बेसिक है ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस आपको खुद से पढ़ने हैं, ये मैं बता चुका बीसीसीटी का, जिसमें भी दिक्कत हो वो पूछना। एक क्वेश्चन और है इसमें, इसको ध्यान रखना, जैसे आपने पहले ध्यान दिया हो अगर, हाँ, जब हमने एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल को सेपरेट करने के लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते थे हम? हाँ जी, याद है कुछ? हाँ, लुकास रिएजेंट का नाम सुना है? लुकास टेस्ट। जी भैया जी। क्या होता था? जी भैया, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, यही था ना लुकास रिएजेंट। ये क्या करता था? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री OH ग्रुप को सेपरेट करता था, डिस्टिंग्विश करता था, पहचान करता था अलग अलग। इसी प्रकार प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को सेपरेट करने के लिए एक टेस्ट होता है, इसका नाम होता है हिंसबर्ग टेस्ट या हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ये सेपरेट करता है किसको? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को, ध्यान रहेगा ये। और ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ना, इसका ये होता क्या है? बेंजीन, ये ध्यान रखना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। इसका मतलब है कि बेंजीन और बेंजीन के पास SO2Cl, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट। और ये क्या करता है? ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश करता है, यानी कि उनको बताता है, उनकी पहचान करता है।
समझ में आई बात? ये इसको लिख लेना, ये जो हिंसबर्ग टेस्ट है ना, हिंसबर्ग रिएजेंट है, इसको लिख लेना बस एक बार कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो आपका प्राइमरी एमीन के साथ तो रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, और प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करने के बाद एक साल्ट बनाता है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक। सेकेंडरी एमीन के साथ जो सॉल्ट बनाता है वो सॉल्ट वाटर सोल्यूबल होता ही नहीं, वो केवल इथर में सोल्यूबल होता है, और जो टर्शरी एमीन के साथ है ये रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है। यानी कि इसमें तीन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री NH2 के साथ तो क्या करेगा, ये जो सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट जो होगा वाटर सोल्यूबल होगा, वाटर सोल्यूबल। 2 डिग्री एमीन के साथ वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड या सॉल्ट, ठीक है ना। और 3 डिग्री NH2 के साथ क्या करेगा, ये नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आई बात ये? जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स इसके लिख लेना कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, और वो कैसे रिएक्शन करता है, बस केवल इतना बात, इतनी सी बात है। क्यों? तो ये जो था एमीन, एलिफेटिक एमीन आपका कंप्लीट हो गया, एलिफेटिक एमीन कंप्लीट। अब इसके बाद इसमें एक लास्ट कंपाउंड बचा, एरोमेटिक एमीन, ठीक। एरोमेटिक एमीन इसको हम करेंगे कल। ये जो एरोमेटिक एमीन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का। इसमें 2 क्वेश्चन बचे अभी, और सुनो ध्यान से, जो 2 क्वेश्चन बचे हैं ना, 100% इन 2 में से एक सवाल आएगा पेपर में, तो कल की क्लास मिस मत करना, कल ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन बचे, एक तो एनिलीन यानी कि जो एरोमेटिक एमीन है, और एक बचा कपलिंग रिएक्शन। हाँ जी, समझ आई? जी भैया, जी भैया। अब इसके अलावा कोई और सवाल हो तो बताओ।